नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि सर्वे के बारे में। बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है, इसमें आपको सर्वे कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो सर्वे बिहार में भूमि का हो रहा है, यह सर्वे लगभग लगभग 100 साल के बाद में हो रहा है। यहाँ पे हालांकि बिहार सरकार का एक गलती है, यहाँ पे बिहार सरकार ने तुरंत ही उद्घोषणा कर दिया कि हम पूरे बिहार में जमीन का सर्वे कराएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि लोगों के पास में डॉक्यूमेंट है या नहीं। जमीन संबंधित दस्तावेज नहीं है तो सर्वे नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास में जमीन का दस्तावेज ही नहीं है, जैसे कि उनके पास में कागज था वो या तो फट गया या फिर किसी भी प्रकार का कागज लॉस्ट हो गया है, तो उनका सर्वे कैसे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार यहाँ पे सर्वे इसलिए करा रही है क्योंकि भूमि संबंधित जितने भी विवाद है उसको कम किया जा सके। हालांकि खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन भूमि संबंधित जो विवाद है, जैसे कि किसी का जमीन कोई आदमी जोत बो रहा है, किसी के जमीन पर कोई आदमी कब्जा कर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए बिहार सरकार यहाँ पे भूमि का सर्वे कराने जा रही है। इससे विवाद कुछ कम हो सकता है। तो आपको अपना जमीन का सर्वे कैसे कराना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको तीन प्रकार का फॉर्म बिहार सरकार ने जारी किया है सर्वे के लिए। पहला प्रपत्र वन, जिसमें बिहार सरकार ने उद्घोषणा की कि अब हम सर्वे कराएंगे। तो इस प्रपत्र से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रपत्र दो और तीन पर ही विशेष ध्यान देना है। तो प्रपत्र दो में आपको स्वघोषणा पत्र भरना होगा। आपको प्रपत्र दो भर करके देना होगा। जब आपके ग्राम में राजस्व कैंप लगेगा, जो भूमि सर्वे का कैंप लगेगा, या तो आप उसमें दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि ये फलाना जमीन मेरे नाम से है या मेरे दादाजी परदादा या मेरे पूर्वज के नाम से ये जमीन है। उस जमीन का आपको खाता खेसरा नंबर स्वघोषणा प्रमाण पत्र में देना होगा। तो आपको प्रपत्र दो भर करके देना होगा जब भी आपके गांव में शिविर लगता है, या फिर आप ऑनलाइन भी भर करके दे सकते हैं। जब आप प्रपत्र दो भर करके दे देंगे तो आपको प्रपत्र तीन भरने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको अपने जमीन का दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा। जो भी जमीन का आपने खाता खेसरा नंबर प्रपत्र दो में भरा है, उस जमीन से संबंधित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना होगा प्रपत्र तीन के साथ में, जिससे कि ये आपको प्रूफ हो जाए कि ये जमीन जो आपने स्वघोषणा प्रमाण पत्र में भरा है, यह जमीन एक्चुअल में आपका है। ऐसा नहीं कि आप किसी के जमीन का घोषणा कर दिए और दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपका सर्वे नहीं होगा। अब आपको दस्तावेज क्या क्या देना होगा, तो सबसे पहले आपको जमीन का, अगर आपका खतियानी जमीन है तो उससे संबंधित खतियान आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके बाप दादा परदादा या आपके पूर्वज के नाम से खतियान होगा तो उसको आप प्रस्तुत करके साथ में वंशावली लगा करके आप उससे अपने जमीन को सत्यापित कर सकते हैं। अगर वह जमीन आपका लिखाया हुआ है तो आप उसका दस्तावेज यानी कि डीड या केवाला जिसको बोलते हैं उसको देकर कभी आप सत्यापित करा सकते हैं। जमीन का रसीद अगर आपके पास में है, जो लगान बोला जाता है, उसको भी आप दे सकते हैं और उससे भी सत्यापित करा सकते हैं। अगर आपने किसी जमीन पे केस लड़ा है और उस स्थिति में आपका डिग्री हुई है तो उस केस का भी कागज आप लगा करके उस जमीन का सत्यापन करा सकते हैं। साथ ही साथ आवेदक का आधार कार्ड वोटर कार्ड भी आपको देना होगा। अब मान लेते हैं कि आपके जो पूर्वज के नाम पर जो जमीन है तो आपने खतियान से निकाल लिया और खेसरा और खाता नंबर आपने स्वघोषणा प्रमाण पत्र में दे दिया है, तो अब आपको क्या करना है कि साथ में एक वंशावली लगा करके और उस जमीन का खतियान का कॉपी आपको दिखाना होगा, तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा, आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। सर्वे के लिए आपके गांव में कैंप लगेगा जिसमें आपको कानूनगो अमीन शिविर प्रभारी होंगे, वहां पे आम सभा होगा। आम सभा में आप अपना घोषणा पत्र दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन दिए हैं तो
तो उस घोषणा पत्र को वहां पे दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसी को इस जमीन पर आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति है तो फिर आप अपना दस्तावेज, ये मैंने बताया, ये दस्तावेज दिखा करके और अपना जमीन का सर्वे आप करा सकते हैं। जिनके पास में जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है उनका सर्वे नहीं होगा। उनके लिए आगे क्या प्रावधान आएगा आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अभी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनके पास में दस्तावेज है उनका ही सर्वे होगा। तो आपको अपना ये जो भी दस्तावेज मैंने बताया, ये सभी दस्तावेज आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए सर्वे कैंप लगने से पहले। मैं फिर आपको बता दूं कि आपके गांव में ही कैंप लगेगा। अगर आप ऑनलाइन स्व घोषणा प्रमाण पत्र प्रपत्र तू नहीं भरना चाहते हैं तो आप कैंप में जाकर के ऑफलाइन ही स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो प्रपत्र दो है उसको भर करके आप जमा कर सकते हैं, और प्रपत्र तीन भर करके, वंशावली लगा करके और संबंधित दस्तावेज लगा करके आप अपना भूमि का सर्वे करा सकते हैं। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी देने का कोशिश किया, यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।